Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss an important problem of operating system, and the problem is sleeping barber problem. Sleeping barber problem, ये topic आपका process synchronization topic के अंदर आता है, जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से processes को synchronize किया जाए operating system के अंदर. तो पहले हम समझते हैं sleeping barber problem है क्या, और उसके बाद हम उसका solution निकालेंगे by with the help of the सीमाफोर्स. सीमाफोर्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम इज दैट कि एक बारबर की शॉप है, उसमें एक सिंगल बारबर है, एक उसके बाद बारबर चेयर है जिस पे वो हेयर कट करेगा, एंड देर आर एन वेटिंग चेयर्स हैं जिस पे कस्टमर आपके वेट करेंगे. इफ़ देर इज़ नो कस्टमर, और कोई कस्टमर नहीं है, देन द बार्बर स्लीप इन हिज ओन चेयर. तो बार्बर क्या होता है, स्लीपिंग मोड में रहता है, वो सोता रहता है. वेन कस्टमर अराइव, जब भी कोई कस्टमर आता है, देन ही हैज़ टू वेक अप द बार्बर. तो वो क्या करता है, बार्बर को वेकअप करता है जिससे कि उसकी हेयर कट हो सके. वेन मैनी कस्टमर कम, जब कई सारे कस्टमर आ जाते हैं, एंड वेटिंग चेयर्स आर एम्प्टी, और चेयर्स आपकी वेटिंग चेयर्स एम्प्टी हैं, तो क्या होता है, दे सिट ऑन द वेटिंग चेयर्स. वो क्या होते हैं, वेटिंग चेयर्स पर बैठ जाते हैं. एज दे लीव इफ नो चेयर इज एम्प्टी, अदरवाइज अगर चेयर फ्री नहीं है तो वो क्या कर देते हैं, शॉप छोड़ के चले जाते हैं. तो ये जनरल जो हमारी बार्बर शॉप का जो आपका सिनेरियो है, वही यहाँ पर शो किया गया है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमने यहाँ पर तीन सीमाफोर्स यूज किए हुए हैं, सीमाफोर कस्टमर, सीमाफोर बार्बर एंड सीमाफोर म्यूटेक्स. तीन सीमाफोर्स यूज़ किए हुए हैं. नॉर्मली सीमाफोर्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं और कोई भी प्रोसेस उसको अपडेट करना चाहता है, तो उस समय हमें सीमाफोर्स की ज़रूरत पड़ती है कि जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको एक ही प्रोसेस अपडेट कर पाए, हर प्रोसेस उसको अपडेट करने की कोशिश ना करे, उस समय हम सीमाफोर्स का यूज़ करते हैं. तो जो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सीमाफोर्स के यूज़ करने की, पहले ये समझ लेते हैं. होता क्या है कि जब जिस समय आपकी बार्बर कोई अपनी शॉप पर किसी भी कस्टमर, वेटिंग कस्टमर में से मान लीजिए एक कस्टमर को चेयर पर बिठा रहा है जिस पर वो हेयर कट करेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर क्या होंगे, घट जाएंगे. मान लीजिए एन कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, जैसे वो एक कस्टमर को बिठाएगा अपनी चेयर पे हेयर कटिंग के लिए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर कितने रह जाएंगे, एन माइनस वन. उस समय लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक नया कस्टमर एंट्री करे और वो जब मैं सेट कर दे जो वेटिंग चेयर है उस पर सेट करने लग जाए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर क्या हो जाएंगे, फिर से एन हो जाएंगे. तो उस समय हमारी प्रॉब्लम आएगी कि सेम वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, जो बार बार है वो वेरिएबल वेटिंग का यूज़ करेगा एक कम करने के लिए कि नंबर ऑफ कस्टमर एक कम हो जा रहे हैं, और उसी समय नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो जाएंगे, उस समय एक बढ़ भी सकते हैं कि भाई एन माइनस वन है या एन है, तो एन प्लस वन भी हो सकते हैं और हो सकता है वो एन रह जाए. तो जो कॉमन वेरिएबल है कि कितने वेटिंग कस्टमर्स हैं, उसको एक बार में एक प्रोसेस को ही अलाउ किया जाए, या तो बार बार उसको यूज़ कर रहा हो प्रोसेस, या फिर उसको कस्टमर प्रोसेस यूज़ कर रहा हो, क्योंकि अगर दोनों एक साथ यूज़ करेंगे उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हम सही वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हमारे वेटिंग कस्टमर्स कितने हैं, तो उसकी पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीमाफोर्स यूज करते हैं. तीन, पहला जो सीमाफोर कस्टमर है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर. ये किसको काउंट करता है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को काउंट करता है, एक्सक्लूडिंग द कस्टमर इन द बार्बर चेयर हु इज नॉट वेटिंग. यानी जो सीमाफोर आपने लिया है कस्टमर, ये किसके लिए लिया है, उन वेटिंग कस्टमर के लिए लिया हुआ है जो आपके वेटिंग चेयर्स पे बैठे हुए हैं. उसमें वो कस्टमर इंक्लूड नहीं है जो हेयर कटिंग के लिए अलग से जो चेयर है उस पर बैठा हुआ है. सेकंड वन इज़ द सीमाफोर बार्बर. दूसरा सीमाफोर जो हमने यूज़ किया, बाइनरी सीमाफोर, वो यूज़ किया है बार्बर. उसकी वैल्यू क्या होगी, वो क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ आइडियल और एक्टिव बार्बर. जो सीमाफोर बार्बर है वो किसको काउंट करते हैं, कितने बार्बर आइडियल हैं या एक्टिव हैं. अगर आपका बार्बर स्लीपिंग मोड में है तो उसकी उस समय नंबर ऑफ बार्बर्स कितने होंगे, जीरो, यानी कि स्लीपिंग कंडीशन में है. या वो बार्बर आपका हेयर कटिंग में बिजी है तो उस समय आपके फ्री बार्बर्स कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है.
सीमाफोर म्यूटेक्स, सीमाफोर जो म्यूटेक्स है वो हमने बताया कि वो इसलिए हमने यूज़ किया है जिससे कि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मिल सके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन की हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हम नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक इंटीरियर वेरिएबल भी लिया है वेटिंग के लिए, एक अलग से इंटीरियर वेरिएबल हमने वेटिंग के लिए लिया है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स। ठीक है, वेटिंग जो वेरिएबल है वो भी किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स को, और जो सीमाफोर काउंट कस्टमर है ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स को। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सीमाफोर कस्टमर ये भी ये शो कर रहा है कि कितने कस्टमर वेटिंग कर रहे हैं उसकी शॉप पर, और जो इंटीरियर वेरिएबल वेटिंग है ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स को। तो हमने दो दो क्यों लिए हैं, जब एक ही चीज़ को इंडिकेट करना है कितने वेटिंग कस्टमर्स हैं तो हमने दो चीज़ क्यों ली है, वो दो चीज़ इसलिए ली है कि जब भी आपको वेटिंग की वैल्यू में अपडेट करना होगा तो पुरानी वैल्यू आपको रीड करनी पड़ेगी वेटिंग की, और सीमा फोर की वैल्यू को हम रीड नहीं कर सकते। सीमा फोर पे सिर्फ दो ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो आपका उसमें वेट ऑपरेशन होगा या सिग्नल ऑपरेशन होगा, नॉर्मल उसकी वैल्यू को हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो द रीज़न फॉर यूजिंग वेरिएबल वेटिंग इज दैट देयर इज नो वे टू रीड द करंट वैल्यू ऑफ सीमाफोर कस्टमर, इसकी वैल्यू को क्योंकि हम रीड नहीं कर सकते तो हमने एक अलग से वेरिएबल लिया है जो किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स को, उसके लिए हमने इसको यूज किया हुआ है जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कस्टमर हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। ठीक है, तो दोनों का पर्पज एक ही है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू को रीड नहीं किया सकते इसलिए हमने इंटीरियर वेरिएबल वेटिंग लिया है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है, नंबर ऑफ चेयर्स आपकी कितनी है, एन है, जिस पे कस्टमर सेट कर सकते हैं। सीमाफोर कस्टमर है, इनिशियली कोई भी कस्टमर नहीं है जो वेटिंग कर रहा है तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। सीमाफोर बार्बर इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल बार्बर की वैल्यू ज़ीरो क्यों ली है, क्योंकि बार्बर आपका क्या है, बार्बर आपका स्लीपिंग मोड में है, कोई कस्टमर नहीं है इसलिए वो स्लीपिंग कंडीशन में है। तो बार्बर है लेकिन क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में है इसलिए उसकी वैल्यू क्या हमने इंडिकेट की है, ज़ीरो इंडिकेट किया। सीमाफोर म्यूटेक्स की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, वन ले रखी है। ये म्यूटेक्स इसके लिए यूज़ किया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, कि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत पड़ेगी जब हम वेटिंग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, कि एक बार में या तो कस्टमर चेंज कर पाए उसकी वैल्यू को या उसकी वैल्यू को बार बार चेंज कर पाए। तो ये आपका इंटीरियर वेरिएबल वेटिंग है जिसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है, और दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स को। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हम सीमाफोर में इसकी वैल्यू को रीड नहीं कर सकते करंट वैल्यू को, इंटीरियर वेरिएबल में जब चाहे हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं करंट वैल्यू क्या है वेटिंग कस्टमर्स की। अब हम देखते हैं किस तरीके से कस्टमर प्रोसेस और बार्बर प्रोसेस अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब जैसी बार्बर अपनी शॉप ओपन करेगा वो चेक करेगा वाइल ट्रू, और चेक करेगा कस्टमर की वैल्यू को, और उस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेगा, वेट। बार्बर आया शॉप में और उसने सबसे पहले इनिशियली क्या किया, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, वेट कस्टमर। वेट ऑपरेशन नॉर्मली क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको एक रिड्यूस कर देता है। वेट ऑपरेशन क्या करता है, जो करंट वैल्यू होगी उसको एक रिड्यूस कर देता है अगर वैल्यू वन या वन से ज़्यादा है। दोबारा से सुन लीजिए, वेट ऑपरेशन जो होता है आपका वो क्या करता है, आपकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है वन अगर उसकी वैल्यू जो वेरिएबल अंदर है उसकी वैल्यू वन या उससे ज़्यादा हो। तो इनिशियली आप देखिए कस्टमर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। जब इनिशियल कस्टमर की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब ये क्या करेगा, वेट ब्रैकेट में ज़ीरो, क्या वो ये ऑपरेशन अप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन वेट अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है कि कस्टमर की वैल्यू वन या वन से ज़्यादा हो और इनिशियल कस्टमर की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा बार, क्योंकि कस्टमर है ही नहीं इसलिए ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, अपना रुक जाएगा, अपना स्टॉप कर देगा प्रोसेस को और अपना स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। ठीक, अब कस्टमर एंट्री करता है, कस्टमर साइड से देख लीजिए प्रोसेस को, वाइल ट्रू वेट म्यूटेक्स। सबसे पहले कस्टमर आएगा और वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो अपनी जो वेटिंग चेयर्स हैं उन पर बैठना, और जो वेटिंग आपकी जो आपकी वैल्यू है वेटिंग की, कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहेगा। ठीक,
ठीक है। तो सबसे पहले पहला कस्टमर आता है, पहला कस्टमर आया उसने वेट म्यूटेक्स किया, तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेशन काम करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है। जैसे ही वेट म्यूटेक्स किया, तो म्यूटेक्स में हमने क्या बताया था, वेट वाले ऑपरेशन में अगर वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा है तो वैल्यू उसकी क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसने वैल्यू क्या कर दी, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर दी। जैसी वेट इसने म्यूटेक्स की वैल्यू 0 की, अब कोई और भी अगर कस्टमर आना चाहे तो वो उसको एंट्री अलाउ नहीं करेगा अभी। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये टोकन का काम कर रहा है। जिसके पास ये म्यूटेक्स होगा वही अपनी एंट्री अपडेट कर पाएगा। तो अगर कई सारे कस्टमर एक साथ शॉप में भी आ जाते हैं, तो जिसके पास ये म्यूटेक्स वाला टोकन होगा वही क्या करेगा, पहले जिसको म्यूटेक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, वो 1 की वैल्यू लेते ही ये ऑपरेशन लगा देगा और वेट म्यूटेक्स करते ही म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। और जैसे ही म्यूटेक्स की वैल्यू 0 होगी, अब कोई दूसरा कस्टमर चाहे तो जब तक ये ऑपरेशन पहला वाला पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि म्यूटेक्स वो भी क्या करेगा, सेम ऑपरेशन लगाएगा दूसरा कस्टमर, उसको भी क्या मिलेगी, म्यूटेक्स की वैल्यू 0, और 0 मिलेगी तो ये ऑपरेशन काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, दूसरा कस्टमर वेट करता रहेगा जब तक पहला वाला फ्री ना कर दे। ठीक है, तो इसने वेट म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 0। अब ये क्या चेक कर रहा है, क्या वेटिंग की वैल्यू लेस देन है चेयर से? इनिशियली वेटिंग की वैल्यू कितनी है, 0। क्या 0 की वैल्यू लेस देन है एन से? यस, कंडीशन ट्रू है, पहले ही कस्टमर है, वेटिंग तो कोई कर नहीं रहा था, लेस देन है चेयर से, तो वेटिंग की वैल्यू उसने अपडेट कर दी। ये सबसे क्रूशल वेरिएबल है जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी। ये भी यूज़ करेगा, ये इधर ये भी यूज़ करेगा। तो इनिशियली क्या हुआ, इसने वेटिंग की जो वैल्यू है वो क्या कर दी, एक इंक्रीज कर दी। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स कितने हो गए, 1 हो गए। जैसे नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग 1 हो गए, इसने क्या कर दिया, कस्टमर को क्या कर दिया, सिग्नल कस्टमर कर दिया। ये सिग्नल कस्टमर क्या करता है, दो सिग्नल हो, दो ऑपरेशन होते हैं सीमा फोर्स में, जो सीमा फोर हम यूज़ करते हैं उनके लिए दो ऑपरेशन होते हैं, वेट और सिग्नल। वेट क्या करता है, एक वैल्यू रिड्यूस करता है, और सिग्नल क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज करता है। तो जैसे ही आपने सिग्नल कस्टमर किया तो सिग्नल क्या करेगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो कस्टमर की वैल्यू कितनी थी, 0। इनिशियली क्या चल रही है, 0। अब भाई कस्टमर तो आ गया, इसने क्या कर दिया, सिग्नल कस्टमर कर दी, कस्टमर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्यों? क्योंकि सिग्नल हमेशा वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, तो कस्टमर की सिग्नल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसने क्या किया, सिग्नल म्यूटेक्स कर दिए साथ में। सिग्नल म्यूटेक्स का मतलब जो इसने टोकन ले रखा था उसको रिलीज कर दिया इस पॉइंट पे। टोकन किस लिए लिया था, कि जब ये वेटिंग कस्टमर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हो तब कोई दूसरा उसे यूज ना कर पाए, इसलिए इसने ले रखा था म्यूटेक्स। तो अब इसका काम हो गया, इसने वैल्यू अपडेट कर दी, सिग्नल कस्टमर कर दिया, तो साथ में सिग्नल म्यूटेक्स कर दिया। सिग्नल का जैसे हमने क्या काम बताया था, कि वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है, तो म्यूटेक्स की वैल्यू फिर से इसने क्या कर दी, 1 कर दी। अब म्यूटेक्स की वैल्यू 1 होती क्या है, कोई दूसरा कस्टमर आना चाहे तो दूसरा कस्टमर भी आ सकता है, और बार बार चाहे तो बार बार भी अपना काम कर सकता है। जिसको पहले टोकन मिल जाएगा वो दोनों में से यूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रोसेस के बाद क्या होता है, मान लीजिए पहले ही कस्टमर है, मान लीजिए एक कस्टमर आया, उसने अपना नंबर लगाया और ये सारी वैल्यू कर दी। अब तुरंत क्या होगा, ये क्या करता है, बार बार हर थोड़ी देर बाद चेक करता रहता है कस्टमर की वैल्यू को। स्लीपिंग मोड के बाद हर कुछ देर बाद क्या चेक करता है, कस्टमर की वैल्यू को चेक करता रहता है, कस्टमर की वैल्यू में कोई अपडेट तो नहीं हुआ। तो जैसे ही कस्टमर आया उसके बाद इसने जब ये चेक करेगा बार बार कस्टमर की वैल्यू को, तो क्या चेक करेगा, वेट और कस्टमर, फिर से ट्राई कर रहा है। तो इसको कस्टमर की वैल्यू अब क्या मिली, इसको कस्टमर की वैल्यू मिली 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की वैल्यू हो चुकी है 1। इसका मतलब है कि अब वेट ऑपरेशन लग जाएगा। वेट ऑपरेशन कैसे लग जाएगा, क्योंकि वेट ऑपरेशन कब लगता है, जब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा हो। तो ये अब एग्जीक्यूट हो गया ऑपरेशन, और कस्टमर के नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर कितने हो गए, 0 हो गए। भाई पहले कस्टमर आया उसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, वेट म्यूटेक्स ये क्या करेगा, म्यूटेक्स को लेने की कोशिश करेगा। म्यूटेक्स को लेने का मतलब इसको किसकी वैल्यू अपडेट करनी है, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स की वैल्यू अपडेट करनी है, कि भाई एक कस्टमर था उसको ये बिठाना चाह रहा है हेयर कटिंग के लिए। इसने क्या किया, वेट म्यूटेक्स लेने की कोशिश की।
अब ये मान लीजिए कि जब ये वेटिंग वेट मीटर लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसको क्या करना है, कस्टमर के बाल काटने, उसी समय क्या हो सकता है, उस समय भी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है कि ये वेट मीटर लेने की कोशिश कर रहा है, उसी समय अगला कस्टमर आ जाता है। भाई पहले वाले कस्टमर को ये कोशिश कर रहा है कि उसकी हेयर कट कर दे, उसी समय मान लीजिए दूसरा कस्टमर आ गया, तो उसको भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कहेगा कि मुझे म्यूटेक्स की, जिससे कि मैं अपना वेटिंग में नंबर बढ़वा पाऊँ। उसने भी कोशिश कर ली, तो उसमें भी क्या होगा, अगर इसको मिल गई पहले म्यूटेक्स की वैल्यू तो ये अपना ऑपरेशन करेगा, और अगर इसको मिल गई तो ये अपना ऑपरेशन करेगा। मान लीजिए दूसरा कस्टमर आया और उसने पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया, किसको, वेट म्यूटेक्स को। जैसे इसने कोशिश की मुझे वेट म्यूटेक्स चाहिए हेयर कटिंग के लिए, तुरंत दूसरे कस्टमर आया और उसने ऑक्यूपाई कर लिया। म्यूटेक्स की वैल्यू क्या चल रही थी हमारी, 1। इसने जैसे ही ऑक्यूपाई दूसरे कस्टमर ने की, वेट म्यूटेक्स करते क्या होगी, फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये जो यूज़ करना चाहे वेट म्यूटेक्स को, क्या यूज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वेट म्यूटेक्स करने पर इसको म्यूटेक्स की वैल्यू 0 मिली, तो ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जब ये होगा ही नहीं ऑपरेशन, इसका मतलब है कि इसको सारा प्रोसेस जो इसने कर रखा है वो आगे इसका ऑपरेशन जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। इसका मतलब बार बार को रुकना पड़ेगा, कब तक, जब तक ये अगला वेटिंग कस्टमर अपनी वैल्यू अपडेट नहीं कर लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा कस्टमर आया था, उसने ऑक्यूपाई कर लिया टोकन, ये तो कर नहीं पाया बार बार, टोकन ऑक्यूपाई किया, चेक किया नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर कितने, भाई ये तो यार ऑपरेशन चला ही नहीं, तो साली वैल्यू क्या हो गई, रिवर्ट हो गई। इसने चेक किया वेटिंग लेस देन चेयर है, ठीक, वेटिंग कस्टमर कितने हैं, एक ही तो वेट कर रहा है अब तक, ये वाला जो यहाँ पर पहले आ चुका था वही तो कस्टमर वेट कर रहा है, और चेयर कितनी है अभी, एन माइनस नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स कितने हैं, 1, जो बैठा हुआ पिछले वाला कस्टमर, और अब चेयर कितनी है, एन माइनस 1 चेयर बची हुई है, तो अब भी 1 लेस देन है एन माइनस 1, इसका मतलब चेयर सभी अवेलेबल हैं। तो ये क्या करेगा, अपना वेटिंग में नंबर बढ़वा लेगा, वेटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। ठीक, सिग्नल कस्टमर, कस्टमर सिग्नल करेगा, कस्टमर की पुरानी वैल्यू क्या चल रही थी, भाई ये तो ऑपरेशन हो नहीं पाया था, तो ये तो वैल्यू सारी रिवर्ट हो गई थी, तो कस्टमर की वैल्यू कितनी चल रही थी हमारी, 1, एक कस्टमर जो वेटिंग कर रहा था। अब सिग्नल कस्टमर करते क्या हो गई, सिग्नल क्या करता है, वैल्यू को एक बढ़ा देता है, सिग्नल कस्टमर की वैल्यू 2 हो गई। सिग्नल म्यूटेक्स, इसने अपनी वैल्यू अपडेट कर दी वेटिंग वाले में, और इसने फिर से म्यूटेक्स कर दिया सिग्नल पे, फिर से क्या हो गई, फिर से इसकी वैल्यू आपकी म्यूटेक्स की 1 हो गई, यानी फिर से टोकन फ्री हो गया, अब कोई भी यूज कर सकता है। फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगली बार हो सकता है फिर बार बार चेक करे थोड़ी देर बाद कि मुझे हेयर कट करना है, उसी से मान लीजिए दूसरा कस्टमर आ जाए, उसमें भी क्या है कि दोनों में ये दिक्कत रहेगी कि कौन सा पहले ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब अगली बार जो नंबर आया, इस बार इसने चेक किया वेटिंग कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू कितनी मिली इसको, 2, वेट कस्टमर करते कस्टमर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, क्योंकि वेट क्या करता है, कस्टमर की वैल्यू को बढ़ा घटा देता है। वेट कस्टमर इसने किस लिए किया कि एक कस्टमर को चेयर पर बिठाने के लिए ले आ रहा है, चेयर पर वेट कस्टमर करते ही रहेगी इसकी वैल्यू 2 से 1। वेट म्यूटेक्स, मान लीजिए इस बार इसको क्या मिल गया, इस बार इसको म्यूटेक्स मिल गया अगले कस्टमर के आने से पहले, कस्टमर मान लीजिए अभी नहीं आया, इसको म्यूटेक्स मिल गया, जैसे ही म्यूटेक्स मिला इसने क्या कर दी, वैल्यू 0 कर दी म्यूटेक्स की, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू क्या चल रही थी हमारी, 1, इसने म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर दी, 0 0 करते हैं, इसका मतलब अब टोकन की अथॉरिटी इसको मिल चुकी है। अब अगर अगला कस्टमर इस बीच में आता है तो वो यहीं रुक जाएगा, क्यों, म्यूटेक्स की वैल्यू उसको 0 मिलेगी, अब अगला कस्टमर यूज़ नहीं कर सकता, उसको कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक बार बार रिलीज नहीं कर देता। अब इसको मिल गई अथॉरिटी, इसने क्या कर दी, वेटिंग की वैल्यू 1 घटा दी। ये जो मेन काम चल रहा था म्यूटेक्स का, वो इसलिए चल रहा था कि दोनों एक साथ काम ना करें, प्लस ना करें, मैं इसने क्या कर दी, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर की वैल्यू कितनी चल रही थी, 2, वो इसने किसने कर दी, 1 कर दी। ठीक, क्यों, क्योंकि एक को तो ये बिठाएगा बार बार वाली चेयर पे जिसपे हेयर कट करना है इसको, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर अब 1 रहेगा। सिग्नल बार बार किस लिए किया कि अब मैं रेडी हूँ, भाई उसने एक बिठा लिया, अब उसको अथॉरिटी मिल गई बाल काटने के लिए, वैल्यू उसने अपडेट कर दी, इसका मतलब अथॉरिटी मिल चुकी है,
तो उसने सिग्नल बार बार का मतलब बार बार क्या चल रहा था, अभी तक आइडियल कंडीशन शो कर रहा था, और जैसे ही इसने हमने उस पर बिठा लिया चेयर पे हेयर कट वाली पे, तुरंत इसको अथॉरिटी मिल गई। अब इसने क्या किया, सिग्नल बार बार कर दी, बार बार की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। नाउ ही इज एक्टिव, ठीक। एक्टिव करने के बाद इसने अपने आप को सिग्नल कर दिया म्यूटेक्स, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, अब म्यूटेक्स को मैं फिर से क्या कर देता हूँ, जो जीरो हो चुका था सिग्नल म्यूटेक्स करती, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से बढ़ गई, 1 हो गई। इसका मतलब है सिग्नल म्यूटेक्स करते ही जैसे ये फ्री हुआ, अब अगला कोई कस्टमर आना चाहे तो आ सकता है, क्यों, म्यूटेक्स फ्री हो चुका है, ठीक। अब जो इसने चेयर पर बिठा लिया है कस्टमर को, उससे क्या कह रहा है, ये हेयर कट के लिए बोल रहा है, ठीक। वो कस्टमर क्या करेगा, ये जो कस्टमर था ये करेगा वेट बार्बर। वेट बार्बर का मतलब पहले ऐसा कर देगा कि कोई दूसरा जो उसने बिठा तो लिया है चेयर पे, लेकिन कोई दूसरा जो कस्टमर है वो ऑक्यूपाई न कर पाए बार्बर को, तो वेट बार्बर करते ही क्या हुआ, बार्बर की वैल्यू क्या है हमारी, 1, ठीक। बार्बर से कह रहा है हेयर कट कराओ, इसने क्या किया, इसने कस्टमर वाले प्रोसेस में वेट बार्बर कर दिया, इससे क्या हुआ, बार्बर की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1, वो फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी जो एक बार्बर था वो इसने क्या कर लिया, खुद ने ऑक्यूपाई कर लिया, किसने, कस्टमर ने, जिसको बाल कटाने, वेट बार्बर, बार्बर वैल्यू 0 हो गई। अब अगला कोई आएगा, कोई कोशिश करेगा तो उसे सक्सेस ही नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि बार्बर की वैल्यू 0 चल रही है, बार्बर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो 0 क्या शक करता है, या तो आइडियल है वो उस समय, या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो वैल्यू फिर से क्या हो गई इसकी, बार्बर की 0 हो गई। अब इसके बाद इसने क्या किया, गेट हेयर कट, अपना बाल कटाने स्टार्ट कर दिया और अपना बाल कटा ले, ठीक है। तो इस तरीके से इससे आपने क्या कर लिया, प्रोसेस पूरा कर लिया। तो अगला कस्टमर जब आएगा, जब तक इसकी हेयर कटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक बार्बर की वैल्यू क्या रहेगी, सारे कस्टमर्स के लिए 0 रहेगी, ठीक है। जब भी बार्बर अगला बाल काटना चाहेगा तो उसको फिर से अपना ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, एल सिग्नल म्यूटेक्स, इसका और देख लेते हैं क्या यूज। ये कंडीशन इसलिए लिखी हुई है कि इफ वेटिंग लेस देन चेयर है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर लेस देन है चेयर से, तो ये सारा प्रोसेस चलेगा, हाँ भाई चेयर है ऑक्यूपाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर ज़्यादा है चेयर से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, भाई कंडीशन क्या है कि वेटिंग जो है लेस देन होनी चाहिए चेयर से, लेकिन मान लीजिए कस्टमर ज़्यादा हैं और चेयर है नहीं, तो क्या होगा, हमने क्या बताया, दे लीव इफ नो चेयर इज एम्प्टी। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर ज़्यादा हैं, चेयर आपके पास क्या है, कम है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये तो प्रोसेस चलेगा ही नहीं, सीधा आप क्या करोगे, जो आपने कब्जा कर रखा है किसके ऊपर, टोकन के ऊपर, वो टोकन क्या करोगे, रिलीज कर दोगे सीधा। भाई आपने क्या किया, आते ही दो कस्टमर आए, उन्होंने आते ही कोशिश, जितनी चेयर थी वो फुल हैं, एक नया कस्टमर आता है, वो आते क्या करता है, पहले टोकन को ऑक्यूपाई करता है, टोकन मिल गया उसे, उसके बाद वो चेक करता है क्या चेयर है कोई, क्या कोई चेयर फ्री बची है, अगर फ्री बची है तो प्रोसेस फॉलो करेगा, अदरवाइज टोकन को छोड़ देगा और चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम वर्क करती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपिंग बार्बर वर्क्स। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.